नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं, आज का जो द हिंदू है उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आज संडे है और संडे को एडिटोरियल्स नहीं आती है, तो आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज और देखेंगे आज जो स्पेसिफिक टॉपिक आता है वो साइंस से आता है। ठीक है, तो पहला इसमें आज जो होगा वो दो पार्ट में बनेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज कवर करेंगे और दूसरा पार्ट जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम साइंस और टेक्स रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट होंगे यूपीएससी सीएससी की दृष्टि से उसका वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज। इसमें देखिए, जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे आपको ये सारे जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, द हिंदू का एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स और फाइनल आर्ट्स का एनसीईआरटी बुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला जो न्यूज है ये न्यूज अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो ये जो न्यूज है इस न्यूज में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत सरकार, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान में, ठीक है, मेडिकल जो मेडिकल्स के सामान है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी है, दवाई है, ठीक है, वो प्रोवाइड करें। भले ही भारत सरकार उसे इंटरनेशनल लेवल पे उनकी गवर्नमेंट को जो वहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि पहले कुछ दिन पहले जो वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन व्यवस्था स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इसको लेकर के उन्होंने तालिबान जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना पहचान देना चाहता है, उसे इंटरनेशनल मान्यता मिली, बट भारत सरकार उसका सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, फिर भी भारत सरकार एक ह्यूमनी एक मानवता बचाए रखने के लिए, ठीक है, वहाँ पे अपना दवाई को भेजा जा रहा है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये देखने को मिला है, ठीक है, तो ये जो दवाई है, ठीक है, भारत सरकार कैसे भेजेगी? भारत सरकार यहाँ से जो भेजेगा WHO को, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद वहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो अफगानिस्तान का जो माइनॉरिटी है, ठीक है, अफगान, तो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ के जो प्रशासन है तालिबान के, ठीक है, उनका वो देखभाल करेंगे किस तरह से कहाँ पे दवाई का किस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 10 इंडियंस और 94 अफगान माइनॉरिटी है ना, ये सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जाकर के इसको एक मतलब जो दवाई भेजा जा रहा है उस पर मार्क एज ए गिफ्ट, ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है एक गिफ्ट है, ठीक है, उसपे जो भी दवाई है उसपे ऐसा इंगित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो फिर जो है आपका नेक्स्ट न्यूज जो है, ये न्यूज आपको ढाका से है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ढाका, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, तो वहां पे क्या है ना, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है बैन कर दिया है किसको, पारा यूनिट को। ठीक है, पारा मिलिट्री फोर्स होता है जैसे इंडिया में, उसी तरह से वहाँ पे पारा यूनिट सा स्टंट्स होता है, कहाँ पे, ढाका में, तो वहाँ पे उसे बैन कर दिया। तो उनका कहना था कि ये जो है आतंकवादी को, जो टेररिस्ट है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि आप दूसरे कंट्री में जा करके वहाँ के जो भी है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है और विदाउट परमिशंस का, यानी कि विदाउट उससे जाने उससे पूछे, ठीक है, वहाँ के गवर्नमेंट से आप किसी भी संस्थान को या किसी भी इस तरह से जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उसे आप क्लोज नहीं कर सकते। इसी को लेकर के बांग्लादेश जो है इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, वही कह रहा है, बांग्लादेश रिएक्ट शार्पली टू यूएसए पे इन्होंने कड़ा प्रहार किया। ठीक है, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मिलिट्री पे सेंशन लगा दिया, जो हमारा पुलिस टास्क फोर्स है जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस किया है ना, तो इसी को लेकर के ये है, जो वहाँ का यूएस एम्बेसडर था, ठीक है, कौन, ईयर मिलर, उन्होंने कहाँ पे, जो ढाका का, जो बांग्लादेश का जो राजदूत थे, ठीक है, उन्होंने इनका विरोध किया। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जो है आपका, ये न्यूज आया है फार्मर से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते होंगे फार्मर्स का जितना भी डिमांड था, चाहे वो फार्म बिल को लेकर हो या फार्मर को अरेस्ट से रिलेटेड हो,
सारे चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिए इसी को लेकर के, जो फार्मर्स थे ठीक है, कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिंधु बॉर्डर पे ठीक है, जो सिंधु बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जितने भी फार्मर्स थे वो वापस जा रहे हैं अपने घर ठीक है। और जो वो स्थल था जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको काफी वहाँ पे साफ सफाई किया गया और जहाँ तक कि सजाया गया, जो भी गाड़ी से जिसको वापस जाना था घर उसी को लेकर के है कि देखिए 380 दिन हो गए और हम लोग 380 दिन जैसे कि पिछले ही है ठीक है, 26 नवंबर को वो आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, टोटल 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया ठीक है। तो उसके बाद वो लोग अपने घर को लौट रहे हैं तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर्स हैं इसमें आप देखिए ये सिंधु बॉर्डर का पिक्चर्स है, इसमें यही चीज़ दिखाया गया है किस तरह से किसान काफ़ी हर्षोल्लास के साथ अपने घर लौट रहे हैं, किस तरह से मैसेज दे रहे हैं ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि फार्मर्स लीडर जो था कौन कौन था वहाँ पे, जो फार्मर्स लीडर आपका राकेश टिकैत था यूपी से है ना, सिंधु बॉर्डर से पंजाब से बहुत सारे किसान थे, उसका एक अपना लीडर था, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है ना। देखिए जैसे कि वहाँ का किसान लीडर कौन थे, बलविंदर सैन सैनी पंजाब से, तो ये सब चीज़ इस न्यूज में बताने का प्रयास किया गया। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है ये है ओमिक्रॉन से रिलेटेड ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किस तरह से रिकॉर्ड धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, किसका, ओमिक्रॉन का है ना। ओमिक्रॉन क्या है, एक COVID-19 कोरोना वायरस का वेरिएंट है, जैसा कि इंडिया का डेल्टा है कप्पा है ठीक है, उसी तरह से ये सदर्न अफ्रीका का एक वेरिएंट है, किसका, कोरोना वायरस का। तो ये कहता है कि पहला जो केस पाया गया था तंजानिया से जो आए थे ठीक है पर्सन, उनके द्वारा उसके बॉडी में, और दूसरा जो है अब यहाँ पे किसके बॉडी में पाया गया, ये शायद आपका जिम्बाब्वे से जो आया ठीक है, जो पेशेंट जिम्बाब्वे से आया उसके बॉडी में पाया गया। तो ये कहता है दिल्ली में धीरे धीरे केस का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, तो उसी को लेकर के है, उसी को लेकर के ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सतर्क हो जाना चाहिए किस तरह से COVID-19 अपना फिर से एक बार तीसरी लहर के साथ आ रहे हैं ठीक है। तो किस तरह से मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए इस पे दिल्ली से, दिल्ली गवर्नमेंट हो या ऑल ओवर कंट्री हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि 52 केस अभी तक में पाया गया, किसका, ओमिक्रॉन का, लेकिन उसमें जो है पॉजिटिविटी ठीक है 0.09 ही पाया गया है, भले इसका रेट थोड़ा स्लो, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये एक विस्फोट करता है तो काफ़ी लार्ज स्केल पे ये कर जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी उसे बढ़ाना चाहिए ठीक है। तो इसी को लेकर देखा। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है ये है आपका, ये सब इसे इम्पोर्टेंट नहीं है यूपी के बेसिस, इसलिए हम इसे डिस्कशन नहीं करेंगे ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये न्यूज है, अब ये न्यूज है आपका जम्मू कश्मीर से ठीक है। तो इसमें ये बताया जाए एनसी एनसी अनडिसाइडेड ऑन अटेंडिंग डायलेमिशन पैनल मीटिंग ठीक है। ये वहाँ का एक जो दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर अभी क्या है ना प्रशासन समिति का आयोजन किया गया ठीक है, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो इनका क्या कहना है कि इनका कहना है जब इनसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट आए थे ठीक है यहाँ पे मीटिंग करने के लिए, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, कि किस तरह से प्रशासन कमेटी होगा समिति होगा किस तरह से नहीं होगा, तो उसमें गवर्नमेंट ने हमसे किसी तरह से कोई पूछताछ नहीं की, हमें किसी तरह से जानकारी नहीं दिया किस तरह से आगे चीज को लेकर बढ़ना है, किस तरह से मीटिंग करना है, आयोजन किया करना है। तो इसीलिए हम इस मीटिंग को, जो प्रशासन समिति है उसे हम अटेंड नहीं करेंगे ठीक है। तो इस पे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे ठीक है, तो उनके द्वारा ये जबकि जून में ये मीटिंग बुलाया गया था, और किसी भी तरह से इसे जो भी इसका रीजन हो, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो या कोई भी रीजन हो, इन्होंने ये अटेंड नहीं किए थे, तो इसी को लेकर गए। तो उसमें क्या मतलब, देखिए प्रशासन समिति में क्या होगा, वहाँ पे होगा जो जम्मू कश्मीर से है ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो किस तरह से वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, कैसे आगे सीट का इंक्रीजिंग होगा है ना, तो इसी पे चर्चा होने हैं।
ठीक है, तो वहां पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, तो वहां पे 83, जैसे कि वहां पे देखिए यहाँ पे क्या है, 83 मेंबर असेंबली है ना, तो इसी को लेकर के वहां पे एससी एसटी को कितना रिजर्वेशन देना और सारा चीज, जितना भी इलेक्शंस कमीशन से रिलेटेड सारा चीज का उसका ड्राफ्टिंग किया जाएगा, ठीक है, तो इस पे लेकर के वो बातचीत होंगे, ठीक है, तो इसी को लेकर के ये वहां पे इस मीटिंग को अटेंड नहीं करने वाले हैं, जबकि ये क्षेत्रीय दल है ना, क्षेत्रीय दल का काफी अहम भूमिका होता है। आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इस पे एक्शन लेते हैं, क्या प्रशासनिक समिति का फिर से डेट इशू किया जाएगा या और ऑर्गेनाइज किया जाएगा, है ना। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट जो है ये हरियाणा से है, ठीक है, तो इसमें इस न्यूज में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो पराली जलाना, ठीक है, पराली क्या होता है ना, कि जैसे कि कोई फसल लगा है ना, तो फसल लगने के बाद जब फसल लास्ट में जब कटता है, जो उसका अवशेष बचता है ना, जैसे कि आप एक होता है ना कि जैसे गेहूं का खेती है या धान का होता है, ठीक है, अभी देखिए धान का सीजन है ना, तो धान जो हुआ, ठीक है, उसका जो डंठल होता है, डंठल समझ रहे होंगे आप, ठीक है, वो डंठल क्या है ना कि कहीं ना कहीं खेत में लग जाता है और खेत में रहता है, और उसे ढो करके घर लाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं किसान, उसे जला देते हैं खेत में ही। उससे क्या होता है ना, खेत का तो उसे उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है, बट क्या होता है ना कि पोजीशंस का मात्रा जो है वो बढ़ जाता है, तो जिसके कारण आपको देखने को मिला गया, चाहे दिल्ली में हो या आपका हरियाणा में हो, पॉपुलेशन ज्यादा, सॉरी, पॉल्यूशन ज्यादा इन्हांस कर जाता है। तो उसी को लेकर के है कि पिछले ईयर क्या हुआ था ना, कि पराली को लेकर के गवर्नमेंट सजग थे, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा कम इस पे मतलब जो पराली होता उसको कम दिलाया गया, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण क्या है ना कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, किससे, पराली जलाने से। तो उसी को लेकर के ये न्यूज में आया है, ठीक है, वही कहता है नो ड्रॉप इन एस्टवल, बर्निंग इन पंजाब, पंजाब में किसी तरह से ड्रॉप नहीं होने वाला है अब की बार, है ना। उसके बाद हरियाणा दिस ईयर, पंजाब के साथ हरियाणा भी इस ईयर में आएगा, है ना, आफ्टर सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ठीक है, जो मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा ये बताया गया। अब ये बताने का प्रयास कर रहा है कि सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक ऐसा देखा गया, ठीक है, ये रिपोर्ट है कब से कब तक का, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का, तो इसी को लेकर के ये फ्यूचर में ऐसा बताया गया, ठीक है। तो जैसा कि आप देखिए अब की बार कहता है 92%, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं 92% अब की बार पिछले ईयर से ज्यादा पराली जलाने का पॉसिबिलिटी ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो फिर कहता है 25,000 फार्मर्स ऐसे हैं जो कि पराली जलाने वाले हैं, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के अभी तक में, है ना, तो इसी को लेकर के इससे क्या होगा ना कि जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया, एक बार फिर से ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह से आगे लेकर बढ़े, ठीक है, और पराली जलाने से रोके ताकि पॉल्यूशन कम हो। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका ये न्यूज आया है कहाँ से, ये देखिए गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली में, ठीक है, यूपी में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं, उसी में से एक स्कीम और लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, यूपी में। तो वो स्कीम का जो नाम है, वो स्कीम आपका है, आपका देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट इम्पावरिंग स्मॉल फार्मर्स, जो स्मॉल छोटे छोटे फार्मर्स हैं उसे कहीं ना कहीं सशक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो सरयू कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ना, सरयू कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है, करने जा रही है। इससे क्या होगा ना कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उसे अपने खेती को सिंचाई करने में काफी सुविधा होगा, है ना, तो उसे कहीं ना कहीं ज्यादा जो छोटे किसान हैं ज्यादा लाभान्वित होंगे, कम कीमत पे उसे पानी मिल जाएगा। और उसके बाद जैसा कि यहाँ पे देखिए विलेज का बात कर रहे हैं, कहता है कि 6,200 विलेज बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट से, ठीक है, उससे क्या होगा ना, इरिगेशन काफी, कहाँ कितना तक इरिगेशन है, 14 लाख, है ना, 14 लाख हेक्टेयर लैंड को क्या किया जाएगा, सिंचाई किया जाएगा। उसमें क्या होगा, 29 लाख फार्मर, है ना, कितना विलेज में, 62 विलेज में। ये कहाँ कहाँ,
यूपी में है, इसमें दिया है कहाँ कहाँ, देखिए बलरामपुर और भी ढेर सारा जो यूपी का अपना रीजनल एरिया है वहाँ पे इसे लाभान्वित होंगे। तो आपको जो मेन रूप से याद रखना है, ठीक है, यूपीएससी की दृष्टि से आपको ये देखना है, ठीक है, सरयू केनाल के बारे में, ठीक है, सरयू केनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो कहाँ लॉन्च किया गया, यूपी में, है ना, ये आपको मे भी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब जो है ये वाला नेक्स्ट, ठीक है, ये न्यूज है आपका नागालैंड से, ठीक है। तो नागालैंड में क्या हुआ ना कि कुछ दिन पहले सिविलियन राइट्स हुआ था, ठीक है, वहां पे 14 ऐसे सिविलियंस थे जिनका डेथ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ, है ना, किसी के द्वारा अटैक, मतलब जो मुठभेड़ हुआ था, ठीक है, किसी नागालैंड और असम में, तो उसमें, ठीक है, तो इसी को लेकर के वहाँ जो नागाज थे, ठीक है, नागाज हैं जिसका उसमें एक मतलब अफस्पा है, ठीक है, वहाँ का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिनका भी फैमिली वहाँ पे डेथ किया है, ठीक है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, उसको न्याय मिलनी चाहिए, सरकार माफ़ी मांगे, कौन मांगे, कौन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ आकर के माफ़ी मांगे, ठीक है, और उन्हें न्याय दें। तो इसी को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वही कहता है, नागाज वांट अपोलाइज फ्रॉम सेंटर फॉर किलिंग 14 सिविलियंस, है ना। तो उसके बाद ये कहता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नागा, है ना, वहाँ का जो सिविल सोसाइटी है नागा का, ठीक है, नागालैंड, तो सेंटर अपोलाइज टू 14 सिविलियन दिसंबर फोर एंड रिपील द आर्म फोर्स, ठीक है, और वहाँ पे जो सॉरी अफस्पा नहीं है, अफस्पा एक क्या है ना कि वहाँ पे ये एक कथी होता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एक आर्म फोर्स होता है, ठीक है, उसको वहाँ पे लगाया गया है, कहाँ पे, नागालैंड में। अफस्पा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई किसी तरह से जो कि उसका सपोर्ट करता है, ये अफस्पा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। तो वही कहता है कि अफस्पा जो यहाँ पे लगाया गया है उसे हटाया जाए ताकि हम लोग स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य कर सके, किसी तरह से हम पे इम्पोज ना किया जाए। तो ये किनके द्वारा बताया गया, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन था, सिविल सोसाइटी था, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है। देखिए आने वाले दिन में क्या होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सब चीज न्यूज में आया है। तो वही कहता है कम्युनिटी एनक्लेव, जैसा कि यहाँ पे पीपल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, नागालैंड, है ना। अब देखिए ये जो है एक ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है ना कि पिछले 3 साल में, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जीव जंतु है, उससे रिलेटेड, चाहे उसका वायलेशन कोई हत्या कर देता हो, है ना, उसे कोई उसके साथ मिसबिहेव या उसका वध कर देता हो या उसका तस्करी करता है, जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड टोटल 2054 केसेस रजिस्टर किए गए, किसके खिलाफ, तो पब्लिक के खिलाफ। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ 2054 केसेस रजिस्टर इन 3 ईयर, पिछले 3 साल में। तो वही पे एक देखिए ये कछुआ है, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ कहता है 2018, 2020 और 2018 से लेकर के 20 तक में टोटल 2054 केस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें कि आपका चाहे वाइल्ड लाइफ का हो, किलिंग से रिलेटेड हो या इलीगल ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, है ना। तो ये कौन बता रहा है, ये इसके द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया, किसके द्वारा, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेटिक्स के द्वारा ये रिपोर्ट पेश किया गया। कहता पिछले 3 साल में, है ना, जो अरेस्ट किया गया था टोटल 3836 को अरेस्ट किया गया था, और जिसमें 2054 को क्या किया गया, जिस उस पे केस रजिस्टर किया गया, उसी का यहाँ पे डेटा प्रस्तुत किया गया है ना। ये जो डेटा है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है। तो आपको मेन रूप से जो मुख्य रूप से याद रखनी है, यहाँ पे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एस्थेटिक्स डिपार्टमेंट जो कि इसको रिलीज करता है ये रिपोर्ट को, ठीक है, तो उसी के बारे में ये बताया गया है, इस तरह से इलीगल ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको जा करके विस्तार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है एक डीआरडीओ के द्वारा रॉकेट लॉन्च किया गया, ठीक है, इस रॉकेट का जो नाम है वो नाम है पिनाका, है ना, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है, एक अपना जो रेंज था पिनाका का उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया गया, उसका परीक्षण किया गया, किसके द्वारा, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया। तो वही यहाँ पे बता रहा है, इंडस्ट्री पार्टनर इज नॉट रेडी फॉर द सीरीज प्रोडक्शन, ठीक है, इससे क्या होगा ना कि हमारा जो
दुश्मन से अटैक करने का हमारा जो सैन्य पावर है वो कहीं ना कहीं इन्हांस किया है, इन्हांस होगा। ठीक है, वही कहता है सक्सेसफुल टेस्ट इन द पिना, वही कहता है यहाँ पे सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ पिना का एक्सटेंड रेंज ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ना। तो वही कहता है एरिया पैनल एंड एडीएम, जिसको कि एडीएम कहते हैं इंडिजीनियस डेवलपमेंट, ये जो है स्वदेशी रॉकेट था है ना। तो वही यहाँ पे कहता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा ये ऐसा बताया गया, ये इंफॉर्मेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या टारगेट है, तो ये जो टारगेट है वही कहता है पिनाका का जो टारगेट है बैरल रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, कहाँ पे जो ये जो टेस्ट किया गया, कहाँ पे किया गया, तो पोखरण। ठीक है, पोखरण रेंज में। तो इसी को लेकर के काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इससे एमके, ठीक है, एमके वन इस रॉकेट का नाम था। ठीक है, हैंड होल्डिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, और ये क्वालिटी का भी एक अपना दावा करता है कि क्वालिटी इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट न्यूज ये है, यहाँ पे रिपोर्ट है किससे रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड। तो ये कहता है कि मेन इन इंडिया टेक 82% ऑफ लेबर इनकम सेड रिपोर्ट। ठीक है, कहता है कि मेल और फीमेल, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि मेल का जो जो मेन और वुमेन में मेन का जो इनकम है, ठीक है, वुमेन के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो कितना है, 82% जो मेन है अपना इनकम का इनकम कहीं ना कहीं देता है, मात्र 18%। ठीक है, 18% योगदान किसका रहता है इनकम में, जो वुमेन का रहता है। तो वही कहता है स्टडी किया गया जेंडर इनइक्वलिटी को लेकर के, ठीक है, ग्लोबल अर्निंग्स को लेकर के, ठीक है, तो कौन कितना कमाता है इसी को लेकर के ये बताया गया। तो देखिए यहाँ पे सारा रिपोर्ट दिया गया है कि देखिए किस तरह से 82% ऑफ लेबर इनकम वाइल मेन है ना वुमेन 82% अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी ग्लोबल वर्ल्ड इवनिंग। ठीक है, अब वही कहता है कब, 2022 में रिलीज हुआ होगा है ना, फर्स्ट वीक में, उससे पहले नहीं रिलीज होगा। ठीक है, तो फीमेल शेयर टोटल लेबर इनकम इज अ नेशनल एग्रीगेट लेबर इन द अर्न वुमेन इन लाइवलीहुड एग्रीगेट टोटल लेबर इनकम विद इन द कंट्री। ठीक है, पूरे ऑल ओवर कंट्री में किस तरह से, तो इसमें देखिए यहाँ पे किस तरह से कहाँ कहाँ पे कितना है, कहाँ पे कम है। ठीक है, चाइना में 33.4% वुमेन का रहता है। उसके बाद अगर श्रीलंका की बात करते हैं 23.3 आता है। सबसे कम जो बात करते हैं वो आपका आता है किसका, तो अफगानिस्तान में सबसे कम पे करता है। ठीक है, सबसे कम वुमेन का क्या है, योगदान है इनकम में। जबकि इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो कितना, इंडिया में 18% जो इनकम में भागीदारी रहता है वुमेन्स का रहता है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब देखिए ये आप एमएसपी से रिलेटेड है, तो इस न्यूज में ये बताया गया है कि एमएसपी जिस तरह से एमएसपी धान और गेहूं पे प्रोवाइड किया जाता है, अगर उसी तरह से दलहन और तिलहन पे किया जाएगा तो इससे क्या होगा ना कि किसान कहीं ना कहीं ज़्यादा दलहन और तिलहन का खेती करेंगे और ये क्या होगा ना कि सस्टेन रहेगा और इससे किसान भी खुश रहेंगे। तो देखे होंगे जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दें, जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसमें ज़्यादा पंजाब उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो किसान था वो ज़्यादा लाभान्वित हुआ था, बट जो अदर स्टेट का था वो कम प्रॉफिटेबल हुआ था। रीजन ये था कि उन्होंने जो ग्रीन रिवोल्यूशन में जब से सबसे ज़्यादा जो एमएसपी प्रोवाइड किया गया किस सेक्टर को, किस फसल को किया गया था, तो वो था धान गेहूँ। ठीक है, अब स्वाभाविक है कि आप देखिए अगर कोई भी फसल है उस पर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है कि आप उच्च स्तरीय आपको प्राइस मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें यही होगा कि जो किसान है वो उस फसल का मतलब अपना उपजाएंगे, तो उपजाएंगे तो क्या होगा, तो उसका मात्रा बढ़ जाएगा, तो अब उसका मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा है ना। तो इसी को लेकर के तो वही कह रहा है कि यदि किसान को दलहन और तिलहन पे एमएसपी मिलता है, अच्छा एमएसपी मिलता है, तो कहीं ना कहीं दलहन और तिलहन को भी प्रमोट मिलेगा और उसे ज़्यादा ज़्यादा किसान इस चीज़ को उपजाएंगे। तो वही कहता है एमएसपी इज अ की डाइवर्सिटी क्रॉप फार्मर गारंटेड प्राइस विल हेल्प इन द शिफ्ट फ्रॉम वाटर इंटर स्टेट पैडी एंड वीट डे से। ठीक है, जैसे कि पैडी और वीट पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के देखिए आगे जो है आपका
ये न्यूज है, देखिए आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर अब जो इसका पार्ट टू है, पार्ट टू आपको शाम में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।